दोस्तों, स्वागत है आपका योर मॉर्निंग स्टोरी के इस एपिसोड में। हाल ही के दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने तेजस LCA के एक स्क्वाड्रन को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर LOC पर डिप्लॉय किया है। हो सकता है कि पाकिस्तान LOC पर मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, जिसका जवाब देने के लिए तेजस LCA को LOC पर डिप्लॉय किया गया है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही ख़राब है और भारत को LOC और LAC दोनों पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय स्वदेश निर्मित तेजस का इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत करेगा। तेजस LCA भारत में निर्मित लड़ाकू विमान है, जिसकी तारीफ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में भी किया। इस साल के अंत तक करीब 80 और तेजस विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। JF-17, जिसे पाकिस्तान अपने देश में निर्मित लड़ाकू विमान भी बताता है, मगर इस एयरक्राफ्ट को चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही मिलकर बनाया है और पाकिस्तान ने हाल ही में इसे अपग्रेड भी किया है। ऐसे समय में आपके मन में तो यह सवाल ज़रूर आया होगा कि JF-17 के सामने तेजस LCA कितना कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इन दोनों विमान के स्पेसिफिकेशन पे। LCA तेजस को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। यह जनरली एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 2 सीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पर। तेजस एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत के पुराने हो चुके MiG-21 और जगुआर को रिप्लेस करने के लिए किया गया है। 2016 में पहली बार एक स्क्वाड्रन बनाया गया था, जिसका नाम फ्लाइंग डैगर्स रखा गया था। इसमें तेजस विमान को शामिल किया गया था। JF-17 को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था, जिसके डिज़ाइन को सपोर्ट किया था रशिया के मिग कंपनी ने। JF-17 को यंग ई ने डिज़ाइन किया था, जिसने चीन के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चेंगदू J-20 को भी डिज़ाइन किया था। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एज़ कम्पेयर टू रशियन मेड एयरक्राफ्ट। तेजस का वेट रशियन मेड एयरक्राफ्ट मिग से बहुत ही कम है। तेजस अपनी डेल्टा विंग की वजह से भी चर्चा का विषय बना रहा है। तेजस की लंबाई है 13.2 मीटर और विंग स्पैन है 8.2 मीटर। तेजस का वेट है 6500 किलोग्राम और टोटल टेक ऑफ वेट है इसका 13,000 किलोग्राम। तेजस का मैक्सिमम स्पीड है 1.8 मैक और यह 500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है ड्रॉप टैंक के साथ। तेजस अपने साथ कैरी कर सकता है लेज़र गाइडेड बॉम्ब, एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल। तेजस में रडार है इजरायली मेड, जिसका नाम है ELTA-EL-M2032 मल्टी मोड कंट्रोल रडार। वहीं JF-17 का टॉप स्पीड है 1.6 मैक जो तेजस से कम है। JF-17 का लेंथ है 14.93 मीटर और विंग स्पैन है 9.48 मीटर। प्लेन का वेट है 6,586 किलोग्राम और टेक ऑफ वेट है 12,383 किलोग्राम। JF-17 का रडार चाइना मेड है, जिसका नाम है एयरबॉर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार। तो तेजस JF-17 से फास्टर और लाइटर भी है। तेजस का इंजन भी JF-17 से बहुत पावरफुल है। तेजस का पेलोड कैपेसिटी भी JF-17 से ज़्यादा है। वहीं तेजस का एयरफोर्स और नेवी दोनों में ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि HAL द्वारा निर्मित तेजस पाकिस्तान के JF-17 से सुपीरियर है। दोस्तों, अगर ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।